हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 41 लेके आई हूँ, जिसमें आपका लेसन चल रहा है बल तथा गति के नियम, और इसमें वर्कशीट में चल रहा है गति का तीसरा नियम। ठीक है बच्चों, इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु को वापस बल लगाती है, यानी कि इसका मतलब है एक दूसरे पर विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। ठीक है, इसमें थोड़े से एग्जांपल दिए हैं बच्चों, जैसे कि पहले बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे जब हम किसी फुटबॉल को किक करते हैं तो जितना बल हम फुटबॉल पे अपने पैर से लगाते हैं उतना ही बॉल हमारे पैर पर वापस बल लगाती है, जैसे कि हमारे पैर में चोट लग जाती है, जो प्रेशर पड़ता है उससे दर्द होता है। ठीक है, इसका मतलब यह है गति का तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, यह दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। जैसे इस साइड दूसरी साइड देखिए वर्कशीट के, गति के तीसरे नियम के दैनिक जीवन में प्रयोग, पहला खेल में टकराने पर चोटिल हो जाना। ठीक है, जैसे मैंने फुटबॉल का एग्जाम्पल दिया, पथ पर चलना, जब हम किसी सड़क पे या किसी रास्ते पर चलते हैं तो पैर से ज़मीन पे प्रेशर पड़ता है। ठीक है ना, तो ज़मीन भी उतना ही प्रेशर ऊपर करती है हमारे पैर पर, क्योंकि बराबर प्रेशर दोनों का एक दूसरे पर पड़ता है ताकि ज़मीन हमारा वजन उठा सके। तीसरा है बंदूक की गोली छोड़ने पर बंदूक का प्रतिक्षेपण, इसका मतलब यह है बच्चों जब बंदूक से गोली चलती है तो बंदूक की गोली आगे जाती है, लेकिन बंदूक का जो झटका होता है ना उसका प्रेशर हमारे पीछे की तरफ पड़ता है। ठीक है, जैसे रॉकेट का ऊपर उड़ना, जब रॉकेट हवा में ऊपर जाता है तो उसकी जितनी भी फोर्स है वो नीचे की तरफ लगती है। ठीक है, अगला है नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव का पीछे की ओर गति करना। आपने देखा होगा पानी में नाव खड़ी होती है, उस पर से जब हम बाहर की तरफ पैर रखते हैं, यानी कि नदी से बाहर की तरफ नाव से निकलने के लिए पैर रखते हैं, तो नाव पीछे की ओर चली जाती है, यानी कि जितना हमारा फोर्स आगे लगता है आगे निकलने के लिए उतना ही नाव में पीछे प्रेशर लगता है। सिक्स्थ है इसमें ट्रैम्पोलिन के खेल में कूदने पर वापस उछलना। अब ट्रैम्पोलिन में देखा होगा अपने बच्चों, हम जितना कूद के प्रेशर नीचे लगाते हैं उतना ही पलट कर हम वापस ऊपर चले जाते हैं, तो ये ट्रैम्पोलिन के बारे में बताया इसने। गेंद को दीवार पर मारना, गेंद को जब हम दीवार पर मारते हैं तो क्या होता है, गेंद को हमने दीवार पर मारा और दीवार से वापस प्रेशर पाकर गेंद हमारे पास आ गई। ठीक है ना, तो इसका मतलब है जितनी क्रिया होती है उसकी विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस वर्कशीट में इतना ही था, मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है गति का तीसरा नियम लिखिए। आंसर है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है, इसे गति का तीसरा नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है यदि कागज़ हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम कभी लिख पाते। आंसर है यदि कागज़ हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो हम कभी नहीं लिख पाते। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से क्यों सटा लेता है। आंसर है गति के तीसरे नियम के अनुसार राइफल गोली दागने के बाद पीछे की तरफ झटका मारती है, इसलिए एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से सटा लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 है दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के कोई 3 प्रयोग लिखिए। तो आपकी वर्कशीट में ये एग्जांपल बहुत सारे दे रखे हैं, उनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है पथ पर चलना, दूसरा नोटबुक पर पेन से लिखना, तीसरा क्रिकेट में गेंद का बाउंस होना। ठीक है बच्चों, और 5वां क्वेश्चन है गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया बताइए जिसके परिणाम स्वरूप जमीन भी हमें आगे की ओर धक्का देती है और हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं, अर्थात हम पैर से ज़मीन को पीछे की ओर बल लगाते हैं और गति के तीसरे नियम के कारण ज़मीन हमें आगे की ओर बल लगाती है, यहाँ पे लगाती होना चाहिए बच्चों, और हम आगे बढ़ते जाते हैं। यह प्रक्रिया लगातार दोहराने के कारण ही हम चल पाते हैं। ठीक है बच्चों, ये थे इस वर्कशीट के 5 क्वेश्चन। आज की वर्कशीट में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।